शिवपुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस थाना अमोला ने सिंध नदी में मिले शव की पहचान कर घटना का खुलासा करते हुए हत्या के दो आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। भतीजे ने जमीन के लालच में अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की थी। दिनांक 18 फरवरी को थाना अमोला पुलिस को सूचना मिली थी कि शिवपुरी झांसी हाईवे के पास सिंध नदी पर बने पुराने अमोला पुल के पास एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 40 साल का शव नदी के किनारे पड़ा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी अमोला उन्नी संतोष भार्गव द्वारा माय फोर्स के मौके पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जिसके सिर व चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि उसके किसी अन्य स्थान पर हत्या कर पहचान छुपाने के लिए यहां लाकर फेंक दिया गया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। और ये इनका चाचा है मुश्किल का, और इनका ये बताना था कि दो बातें इसमें आ रही थी कि ये फादर की डेथ हो गई थी मुश्किल की, और घर में माँ और ये चाचा रहते थे, चाचा ने शादी नहीं की है, और ये कुछ कह देता था कि इसका भाई बाहर भी जॉब करता है, कहाँ करता है, दिल्ली में है, तो दिल्ली में जॉब करता है। तो ये घर पे जब थे तो इसको इसकी माँ ने एक बार शिकायत की होगी कि ये चाचा जो है गलत हरकत करने की कोशिश करता है, तो एक वो दिमाग में था उसको, और दूसरा कि जब इसको ऐसा लगा कि ये प्रॉपर्टी का हिस्सा भी इसका बनता है चाचा का, और इससे कोई है नहीं, खत्म हो जाएगा तो प्रॉपर्टी हम लोग मिल जाएगी, जिससे अच्छा प्लान किया है। तो काफ़ी दारू पिलाई धर्मवीर के साथ में रह के, और फिर जब ऐसे काफ़ी दारू पी ली तो इसको जो है टॉमी लीवर और जैक से सिर पे सीधी सिर पे मारा था। जब उसकी डेथ हो गई तो ये जो पहले ये कुछ पहले यहाँ काम कर चुका है हमारा अमोला क्षेत्र में, इसको ये अंदाज था कि ये यहाँ पे इस तरह का है। तो सर ये बॉडी मिली है सिंध में, किसकी थी और ये कैसे क्या है पूरा मामला? ये सिंध नदी में थाना अमोला क्षेत्र में जो पुराना अमोला बस्ती थी उसके पास में एक बॉडी मिली थी पानी के पास ही, और देखा गया उसको तो पता चला कि उसके सिर में काफ़ी सारी चोटें थी, ब्लड काफ़ी था, और पास में टायर के निशान थे, तो पूरा घटनास्थल ये लग रहा था किसी ने मार के वहाँ फेंका है। इस पर वहाँ आसपास सब जगह पे और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए, लोगों से भी चर्चा की गई, सारी बातें पता करने की कोशिश की गई। उसके व्यक्ति के नाम हाथ पे एक महेश करके लिखा हुआ था, और इसके अलावा और कोई जानकारी सीधी नहीं मिल रही थी। एक पेट्रोल पंप पे फिर एक व्यक्ति ने बताया कि कोई व्यक्ति 10 लीटर पेट्रोल कैंट में लेने के लिए आया था, तो उस पर शंका हुई, उसका फ़ोटो दिखवाया गया आसपास के लोगों से, तो वो एक व्यक्ति जो है धर्मवीर परिहार करके है वो आइडेंटिफाई हुआ। इसके बारे में जानकारी लेने पता चला कि ये हमेशा एक पुष्पेन परिहार करके लड़का है उसके साथ रहता है, इसके बाद मारुति इको गाड़ी है, तो ये मारुति इको गाड़ी को तलाश करके पुष्पेन परिहार से पूछताछ की तो ये पूरा खुलासा हुआ कि मृतक जो है उसका चाचा है महेश परिहार, जिसकी हत्या पुष्पेन और धर्मवीर ने मिलकर की थी, और इसका कारण यह आया है कि वो पुष्पेन के घर में उसकी माँ रहती है और पिताजी उसके नहीं रहे, ये चाचा उसको माँ को के लिए कुछ दबाव बनाता था अवैध संबंध बनाने के लिए, और साथ में इनको लगता था कि प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांगेगा, इसका कोई शादी वादी नहीं हुई थी, तो ये एक बोल भी नहीं पाता था जो मृतक है, लेकिन इसको इस बात से रास्ते से हटाने के लिए इन दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग किया, इसको मार दिया। मारने के बाद में ये चिन्नौर थाना का रहने वाला ररुआ गाँव का, और वहाँ से फिर ये चूँकि पहले अमोला में काम किया है तो इसको मालूम था कि पानी के पास में जगह है, तो ये एक बोरे में बड़ा स्टोन पत्थर लेके आए थे, लेकिन रास्ते में जब गाड़ी फंस गई तो ये इसे पटक के चले गए। पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया पुष्पेंद्र को, इसके मारुति इको गाड़ी जब्त कर ली है, और इसके साथ में इसके आला जिला में इसने एक जैक जो है जिसका इस्तेमाल सिर को मारने के लिए इसने किया था वो कर लिया है। दूसरे आरोपी को हम शीघ्र तलाश कर रहे हैं, और ये अच्छा खुलासा बहुत जल्दी अमोला थाना प्रभारी संतोष भार्गव उनकी टीम जिसमें ऐसे हरीश सोलंकी हैं, ऐसे विवेक भट्ट हैं, और बाकी इनकी टीम है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, उस पर उनको पुरस्कृत किया जाए। सर जी आरोपियों का सर कोई पुराना क्राइम रिकॉर्ड भी है क्या? सर नहीं, इनका पुराना क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।